दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जेंडर प्रिडिक्शन सीरीज़ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा। मैं प्लेलिस्ट की आपको लिंक भी दे दूंगी, या तो फिर अगर आप देखिएगा एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और देखिए, जेंडर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये नॉर्मल सी बात है, आम बात है। लेकिन लोग प्लेसेंटा के पोजिशन से भी गेस करना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो जैसे मैंने अपना बताया कि ये जो जेंडर प्रेडिक्शन सीरीज़ है, तो मैंने अपना कंप्लीट जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे अपने दोनों प्रेगनेंसीज को लेके, पहले प्रेगनेंसी में मुझे बेबी बॉय हुआ था और दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे ट्विन प्रेगनेंसी हुई है जिसमें बेबी बॉय और गर्ल दोनों हुए हैं। तो उस वक्त और इस वक्त क्या प्लेसेंटा के पोजीशन रहे हैं, मेरे साथ ये कितना सादा मैच हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर लोगों का अंदाज़ा क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की। तो जहाँ मैंने बताया कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी वो 25 सितंबर 2013 को, उसके बाद से मैंने अपने रिपोर्ट्स उतने ज़्यादा संभाल के नहीं रखे हैं। मे भी थोड़ा ढूंढने पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे लिटरली ये याद नहीं है कि उस समय प्लेसेंटा का पोजीशन क्या था, एंटीरियर था या पोस्टीरियर था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नो आइडिया। तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन इस बार का, जैसे कि मैंने अपनी आपको ट्विन प्रेगनेंसी की भी रिपोर्ट शो की थी और आपने सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, देखा भी था उसे, तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है शायद 23 वीक्स की, मैंने आपके सामने शो की थी, तो उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही था। तो मैं ऐसा आपको कैसे बता दूं कि ये लड़का का था या लड़की का था, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरे बेटे का जो वेट है हल्का सा ज़्यादा था मेरी बेटी के इससे। तो बेटे का जो प्लेसेंटा का पोजीशन था वो उस समय एंटीरियर था, और जो बेटी का जो पोजीशन था वो पोस्टीरियर था। तो इस हिसाब से गेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वेट पता था अपने बच्चों का, कि वेट में दोनों का डिफरेंस था, इसलिए मैंने लड़का और लड़की दोनों का अभी बताया। बट ये सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए पहली प्रेगनेंसी का तो मुझे लिटरली याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, तो मैं 100% ये नहीं कह सकती। मैं क्या, कोई भी आपको नहीं कह सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एंटीरियर होता है तो लड़का होता है और पोस्टीरियर होता है तो लड़की होती है। लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, जो कि सरासर गलत है, इसका कोई भी क्लेम नहीं है। और जहाँ तक रामजी थ्योरी की बात है, जो मैंने पर्सनली भी ये आपको ये वीडियो बना के दी थी, अगर उसके मैं लिंक आपको दे दूँगी रामजी थ्योरी वाली, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, तो उसमें उनके हिसाब से क्या सही है नहीं सही है वो डिटेल आप वो वीडियो देख के समझिए। लेकिन फाइनली जो कंक्लूज़न यही निकलता है कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन गर्ल और बॉय यानी जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकता है। और रही बात क्यूरोसिटी की, तो देखते रहिए, छानबीन करते रहिए, कभी टेस्ट को लेके, कभी कुछ को लेके, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका और आपके बच्चे का स्वस्थ रहना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, बच्चे का ख्याल रखें। जेंडर एक सेकेंडरी इशू है, जो भी भगवान देंगे वो आफ्टर डिलीवरी आपको पता चल जाएगा और उसके साथ आप हैप्पीली रह सकते हो, खुश रह सकते हो। लेकिन अभी से उस चीज़ का स्ट्रेस लेके पूरी प्रेगनेंसी को रियून करना ये सही नहीं है। स्ट्रेस में मत रहिए, क्यूरोसिटी को क्यूरोसिटी के लेवल तक ही रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस में मत पड़िए। और वैसे भी मैं हर एक वीडियो में आपको यही कहती हूँ, डिस्क्लेमर भी आपने मेरा देखा है कि लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है। जितनी प्यारी बेटियाँ होती हैं उतने प्यारे बेटे भी होते हैं, और बेटे जितने अच्छे होते हैं उतनी अच्छी बेटियाँ भी होती हैं, और दोनों इक्वल हैं। तो दोनों का सम्मान करें, दोनों को खूब सारा प्यार करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।